अम्मा अम्मा अब क्या हो गया? अम्मा क्या है, क्यों इतना चिल्ला रही हो तुम? या लैब में कौन आया था? तुम्हारे इस मुर्गियों के डरबे में कोई नहीं आ सकता। मेरी किताबें भी जगह से हिली नहीं, ये तुम्हारा काम है। इस घर में तुम्हारे और मेरे अलावा सिर्फ गुर्बत बसती है, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे घर की गुर्बत इतनी सुस्त है वो सफाई के नाम पे तुम्हारे लैब में घुस ही नहीं सकती। अम्मा ये अदबी और फलसफे की बातों से मेरा गुस्सा कम नहीं होने वाला। तो फिर कैसे कम होगा? अम्मा ये जो अब्बा की किताब है उस पर मैं नोट्स लिखती हूँ, अगर ये गुम गई ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। बात सुनो, तुम ऐसा कौन सा साइंसदानों वाला काम कर रही हो? तुमने इंजीनियरिंग की हुई है और तुम्हारे अब्बा डिस्पेंसरी की किताबें पढ़ते थे, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? और रोज तुम मुझ पे झाड़ रही हो। सॉरी ना अम्मा, तुम्हें पता है ना कि मुझे मेरी लैब कितनी प्यारी है, और तुम्हें याद है कि अब्बू और मैं यहाँ बैठ के घंटों बातें करते थे। सॉरी शना, मेरी मोटी। हाँ मैं तो तुम्हारी माँ मोटी कह सकती हूँ। मेरी किताबों को हाथ मत लगाया करूँगा।